नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे 31 मार्च से डीजल की जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें जो है बंद करने की बात अब कही जा रही है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब पुरानी गाड़ियों को बंद करने का फैसला लिया जा रहा है, जिसके तहत अब कहा जा रहा है कि 31 मार्च के बाद 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले जो बात कही गई थी उसमें यह कहा गया था कि 30 सितंबर 2021 की मध्य रात्रि से पटना नगर निगम, दानापुर नगर निगम, खगौल नगर निगम और फुलवारी शरीफ नगर परिषद के तहत आने वाली पुरानी गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर कैबिनेट की भी बैठक में मुहर लग चुकी है। पुरानी गाड़ियों को बंद करने को लेकर 7 नवंबर 2019 में बिहार सरकार की बैठक में इन गाड़ियों को बंद करने का फैसला लिया गया था। साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि इन गाड़ियों को सीएनजी में बदला जा सके। इधर प्रदेश में सीएनजी स्टेशनों को खोलने जाने की भी बात कही जा रही है और कई नए स्टेशन खोले भी गए हैं, लेकिन इस दौरान प्रदेश में सबसे पहले कोरोना महामारी ने दस्तक दी। इसके कारण इन डीजल गाड़ियों को सीएनजी में नहीं बदला जा सका। इसके बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव सामने आ गया, जिसके कारण यह कार्य में तेजी नहीं आ सकी। ऐसे में इसको एक बार फिर से एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था, जो कि अब 31 मार्च को समाप्त हो रही है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि 31 मार्च के बाद से डीजल वाली पुरानी गाड़ियों को बंद कर दिया जा सकता है। साल 2019 में इस मामले को लेकर कैबिनेट में हुए फैसले के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव रहे संजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पटना में और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण को रोकने के लिए यह कदम बहुत ही जरूरी है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो राजधानी पटना में 35,000 से अधिक ऑटो चलता है। इस ऑटो को सीएनजी में बदलने की बात कही गई है, लेकिन डीजल युक्त ऑटो को सीएनजी में बदलने का काम बहुत ही धीमी गति से हुआ है। बता दें कि ऑटो को सीएनजी में बदलने के लिए सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया जाता है। ऐसे में अब देखना है कि बिहार सरकार किस तरह से पुराने डीजल युक्त गाड़ियों को सीएनजी में बदलकर सड़क पर उतारती है। बता दें कि बिहार सरकार ने यह नियम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि पर्यावरण ज़्यादा प्रभावित ना हो सके। पिछले दिनों पर्यावरण में वायु प्रदूषण की मात्रा बहुत ही खराब थी, जिसके बाद से सरकार ने इस तरह के कड़े निर्णय लिए हैं। हालांकि जब से यह नियम को लागू करने की बात कही गई है, उसके बाद से प्रदेश में कुछ न कुछ समस्याएं सामने आती रही है। ऐसे में अब जो तारीख दी गई है वह है 31 मार्च। ऐसे में अब देखना है कि इस नई तारीख में पुरानी गाड़ियों पर पूरी तरह से रोक लग पाता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले दो अलग अलग मामले, एक तो विधानसभा का चुनाव और उसके बाद कोरोना महामारी, इन दोनों कारणों से बिहार सरकार ने जो है डीजल गाड़ियों पे रोक नहीं लगाया। उसके बाद सीएनजी में बदलाव एक बड़ी समस्या जो है वो सामने निकल कर आई थी कि पुरानी गाड़ियों को सीएनजी में सरकार की तरफ से भी और जो उसके मालिक हैं गाड़ियों के वो नहीं बदल पाए थे, तो इन दोनों के बीच में भी जो है एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया था। लेकिन अब जब 31 मार्च की तारीख जब मुकर्रर हो गई है, तो ऐसे में अब देखना है कि क्या सरकार इसे भी आगे बढ़ाती है या फिर सरकार कोई कड़े फैसले लेती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।